बिहार में गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोपालगंज के सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर दो तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इस मंदिर में नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिले से श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। वैसे यहाँ सालों भर भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में यहाँ खास मेला भी लगाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। सावन के महीने में भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर को लोग थावे वाली माता का मंदिर, सिंहासिनी भवानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नवरात्र में पुष्प बलि देने की भी परंपरा है। लोग माँ के दरबार में खाली हाथ आते हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। थावे दुर्गा मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है। थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की कहानी काफ़ी रोचक है। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। तभी अचानक उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहसु था। रहसु के द्वारा पटेर को बाघ से दोनी करने पर चावल निकलने लगा। यही वजह थी कि वहाँ के लोगों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। यह बात राजा तक पहुँची, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहसु के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी कहने लगा और उसने रहसु से कहा कि माँ को यहाँ बुलाओ। इस पर रहसु ने राजा से कह दिया कि यदि माँ आई यहाँ आई तो राज्य को बर्बाद कर देंगी। लेकिन राजा नहीं माना। रहसु भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और सारण में आमी होते हुए गोपालगंज के थावे राजा के सभी भवन गिर गए और उसके बाद राजा मर गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना उस समय की जब वे चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने के समय उन्हें अचानक स्वप्न में माँ दुर्गा दिखी। स्वप्न आए तथ्यों के अनुसार राजा ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की और कल्याणपुर, हुसैपुर, सेलारी, भेलारी, तुरकहा और भुरकहा को अपने राज के अधीन कर लिया। विजय हासिल करने के बाद उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में राजा ने खुदाई कराई, जहां 10 फुट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहीं मंदिर की स्थापना की गई।